पॉन्ड इज लाइक अ बुफे। आप कभी बुफे पे गए हो ना, खाना कितना पड़ा होता है, दिन जाता बंदा हर चीज खा जाए। आप डालते हैं अपनी प्लेट्स भर के, लेकिन आधा खाया, कुछ खाया, दो प्लेट्स खाई, दिल तो चाह रहा है कि मैंने वो भी खाना था, तो वो भी खाना था, लेकिन पेट इजाजत नहीं दे रहा। आंखें भूखी होती हैं इंसान की। पॉन्ड इज लाइक सेम, इंसान जब वेबसाइट पे जाता है, व्हाट हैपेंस इज उसको वो अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई तो कर ले टेम्परेरीली, लेकिन उसकी आंखें भूखी रहती हैं, एंड ही अर्जेस टू गो बैक टू दैट सिन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। कोई भी शख्स अगर इस एडिक्शन में है, जो एडिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहता है कि ठीक है मैं इसमें आइंदा कभी नहीं जाऊँगा, आज के बाद ये आखिरी दफा था, आई विल नॉट गो टू दिस एडिक्शन एनी मोर, अगले दिन फिर वो उसमें पड़ा होता है, दो दिन बाद फिर उसमें पड़ा होता है। लेकिन अगर वो अपने आप को डेडलाइन दे कि मैं सिर्फ चार दिन वेट कर लूँ, सिर्फ चार दिन, चार दिन बाद मुझे खुली आजादी है, और जब चौथे दिन गुजरे अपने आप को फिर वो दोबारा टारगेट दे, ओके टू मोर डेज, जस्ट टू मोर डेज, जस्ट वेट फॉर टू मोर डेज, अपने आप को दो दिन रोक के रखो, जिस तरह भी कर सकते हो, तो फिर अल्टीमेटली वन कैन फाइट द एडिक्शन। सूरह मोमिनून में देख लें, फलाह पा गए मोमिनीन, कामयाब हो गए कौन, जो अपनी नमाजों में खशियत इख्तियार करते हैं, ठीक है, जो लोग लव लव से यूजलेस चीज़ों से दूर रहते हैं, जो लोग ज़कात को अदा करते हैं, और जो लोग लदीना लिफ़रूजिहिम हाफिज़ून, वो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर जिक्र किया मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का, ठीक है, फिर जिक्र किया कि जो लोग फहश और बुराई से बचते हैं। अगर आप इन्हें काउंट करें तो अल्लाह ताला ने फिर आखिर में दोबारा कहा कि जो लोग नमाजों की बाकायदगी से अमल करते हैं, खालिदून, ये वो लोग हैं जो फिरदौस के मालिक बनेंगे। तो सूरह मोमिनून की आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो दफ़ा नमाज का जिक्र किया, एक दफ़ा ज़कात का जिक्र किया, एक दफ़ा लव चीज़ों से बचने का जिक्र किया, और तीन दफ़ा फोश चीज़ों से बचने का जिक्र किया, विच मीन्स विच शोज द इंटेंसिटी कि इन चीज़ों से बचना कितना इंपॉर्टेंट है अगर इंसान को फलाह पानी है तो।